गुजरात के वडोदरा शहर के लोगों की चिंता बारिश के मौसम में काफी बढ़ जाती है। कारण है मगरमच्छ। जी हाँ, शहर के बीचों बीच बहने वाली विश्वामित्र नदी में मगरमच्छों की अधिक संख्या है, जो बारिश के समय कहीं और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बाढ़ के पानी के साथ साथ ये मगरमच्छ उन लोगों के घरों तक आ जाते हैं, जिससे हमेशा शहर वासियों के मन में डर बना रहता है। साथ ही ये मगरमच्छ विश्वामित्र नदी में पानी के बढ़ने पर नदी पर बने पुलों पर भी आराम फरमाते हुए नजर आते हैं। वहाँ रह रहे लोगों को हर साल नदी में आने वाली बाढ़ का तो सामना करना ही पड़ता है, साथ ही मगरमच्छों का सामना वहाँ के लोगों के लिए चुनौती है, क्योंकि ये नदी शहर के बीचों बीच बहती है और नदी पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ मगरमच्छ से ही भरी पड़ी है। इस नदी में आप सभी को जगह जगह पर मगरमच्छ साफ तौर पर दिख जाएंगे। बरसात के मौसम में मगरमच्छ की संख्या बढ़ जाती है तो इनका शिकार इंसान भी बनने लगते हैं, जिस कारण लोगों में हमेशा जान का खतरा बना रहता है। एक रिपोर्ट के अनुसार वडोदरा की विश्वामित्र दुनिया की तीसरी ऐसी नदी है जिसमें मगरमच्छों की भरमार है, और ये नदी सैकड़ों किलोमीटर की लंबाई तक मानव बस्ती के बीच से ही बहती है। आमतौर पर मगरमच्छ इंसानों के बीच बसाहट नहीं करते। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस नदी में 10 फुट तक लंबे सैकड़ों मगरमच्छ हैं।